बिल्कुल भाई, 2018 की प्लांटेशन थी। 2019 में मैंने क्या किया, 2019 में मैंने इसमें नाइट्रोजन फ्लो मेरा बहुत आया, लेटर ब्रांचेस सारे भागे, फैदर सारे भागे, बहुत हम आए यहाँ पे। तो एग्जैक्टली हमको लगा कि इसमें फ्रूटिंग इस साल होगी नहीं। अब गाला में आपको एक चीज़ है, गाला का स्लीपिंग आई भी ये लीफ भी ये हो जाता है। 2020 में मुझे बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग, 3 बार मैंने इसकी थीनिंग की, लास्ट में जून में मुझे इसको समर प्रूनिंग देना, तो फ्रूट फिर भी बहुत ज़्यादा लगा, साइज फिर भी मुझे आ गया, लेकिन वो साइज नहीं मिला, लेकिन फ्रूटिंग इतना ज़्यादा हुआ कि कोई कर नहीं। इस साल मैंने क्या किया, प्रूनिंग टेक्निक को थोड़ा सा चेंज किया, मैं ब्रांचेज में पीछे आया, ब्रांचेज में पीछे आया, लेकिन रिटर्न ब्लूम में मुझे कुछ पेड़ों में प्रॉब्लम आई। इसमें ना एग्जैक्टली थोड़ी सी जो गाला की प्रूनिंग प्रैक्टिस है ना, थोड़ी सी अलग है जी। आपने ये रखा था ना जी, ये छोड़ा, हाँ आप उसको क्लिक करना, जितनी भी इसके बाद फ्रूटिंग के बाद ये निकलेगा ना, आपको क्लिक करना, फ्रूटिंग के बाद जितना भी निकलेगा इसको क्लिक करना। अच्छा, जितना आप क्लिक करेंगे ना उतना ज़्यादा आपको फ्रूटिंग एरिया ज़्यादा, इसका थोड़ा सा अलग है, थोड़ा कॉन्सेप्ट है, क्लिक में आपको ज़्यादा जाना जी जी, नहीं तो क्या हो जाएगा ना, ये टिप बैरर है ना जी, हाँ टिप बैरर, जैसे ये छोड़ा आपने, ठीक, आपने यहाँ टिप के लिए छोड़ा, ठीक, यहाँ फ्रूट नहीं लगा, ठीक, अब ये चला जाएगा आगे, अब आपका इसमें फ्रूटिंग एरिया कहाँ है, अगर आप इसको यहाँ से क्लिक करते ना, ठीक है, तो यहाँ स्प्राउटिंग होगी, यहाँ स्प्राउटिंग होगी, इसमें स्लीपिंग आइज ज्यादा रहती, ज्यादा रहती है, ये प्रॉब्लम, इसलिए इसको क्लिक करना पड़ा, ठीक है। जैसे आपने ये लू छोड़ दिया ना, ठीक है, अब ये जो पीछे है ना ये बंद है, ये बंद है, ये बंद ही रहेगा, ये खुलेगा नहीं, ये तब खुलेगा जब मैं इसको यहाँ से क्लिक करेंगे, जब आप क्लिक करेंगे ना फिर ये पीछे से। आप मुझे एक बात बताएं, मैंने क्लिक किया इस साल, ठीक है, मेरी नेक्स्ट ईयर आइज खुल गई, फ्रूट लग गया, ठीक, मैंने फ्रूट ले लिया, एग्जैक्टली मेरा मैक्सिमम एरिया रहना कितना चाहिए, इतना ही। देखो जो हाइजेनिस्टिक का कॉन्सेप्ट है, फोर्थ वायर आपके ऑलमोस्ट 10 या 11 फीट होगी, जी जी, या 12 फीट, जी जी जी, आप समझे 10 से 11। एक पौधे में आपने सिर्फ 20 से 22 पैदा, 20 से 22 पैदा, वैसे 2223 रखते हैं फॉरनर, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 25, ये एरिया हमारा बहुत ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, जो ये पौधा था जी आपने इधर कन्वर्ट, ठीक है, यहाँ से काटना था, ठीक है, ताकि यहाँ से ब्रांच निकले, ठीक है, ये स्प्राउट होती नहीं वाली, हाँ, तो यहाँ से नया फैदर निकलना, ठीक है, आपको कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ेगा फैदर, आप क्या करें, एक ही फैदर को आपने इसको रोक के ना इस पे लेना चाह रहे, ठीक है, ठीक है। अगर आप रिमूव करते ना तो रिन्यूअल पे डालते ऐसी ब्रांच है, हमने ये उगानी है, ठीक है, हमने ये नहीं उगाना, हमने ये नहीं उगाना, हमने ये उगाना, ठीक है। तो अगर आप देखें तो जो फॉरनर का कॉन्सेप्ट है वो 20 to 22 के जी पर प्लांट का जा रहा है, तो अगर आप एक इसमें 5 दाने लेते हैं तो लगभग 100 किलो 100 दाने का मतलब हमारे कोई 25 किलो जी 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 25 किलो जी जी, तो आ गया 5 दाने पर केजी पर फैदर, आप इस कॉन्सेप्ट से चलें, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फ्यूचर ब्रांच कौन सी है और अभी की कौन सी, अभी की, अभी आप इसमें अगर इसमें आप फ्रूट ले भी लेते ना, लंबा हो गया कोई बात नहीं, आप इसको डेवलप करते बीच में आपको यहाँ टक मारता, हाँ ये तो यहाँ से नया आना था। ये एग्जैक्टली मुझे रिन्यूअल पे डाल देना था, ये वाला, ये कॉम्बिनेशन आपको, ये बेस्ट वो है, ये है ये बेस्ट फेदर है हमारे जो ये थे ना जी जी, ये आपने यहाँ से रिंग पर से काटे, अब देखो यहाँ काट किया हमने, ये किए एक ये स्प्राउट हुआ, दो ही हुए, अब ये भी देखो स्प्राउट हुआ, हाँ जी, तभी बोला जाता ना जी, और आपके ना जी ये भी स्प्राउट हो सकता था अगर आप नॉचिंग, अब मेरी बात सुनो ना जी, एग्जैक्टली केमिकल फैदरिंग की हुई आपने देखा, केमिकल नॉचिंग की है मैंने, लेकिन क्या है फटा नहीं, फटा जो जिस पे केमिकल नहीं डाला है वो फटा है। देखो इसमें दो रीजन है, नॉचिंग में आपने जो पीजीआर इस्तेमाल किया वो कौन सा था, प्रोमिलीन, फिर प्रोमिलीन डुप्लीकेट हो सकता है,
हो सकता नहीं 100% यही पीजीआर यूज ही इसीलिए किया जाता है कि फैदरिंग के अगर लेटेक्स में अच्छा दूसरा एक रीजन होता है कि कई बार मैंने जहां पे भी केमिकल फैदरिंग की हुई अभी ठीक है लेटेक्स पेंट के साथ वहां से कहीं से प्रॉब्लम नहीं और एक ऑर्चर्ड में अभी आपको दिखाऊंगा जिसमें मैंने कोई पीजीआर नहीं यूज किया हुआ सिंपल ये गई उसमें फैदरिंग होता है क्या जी जब प्रेशर किसी वजह से रुकता है या तो आपका दवाई काम नहीं करती ठीक है ऊपर से क्या हो गया जो आपने लेटेक्स पेंट लगाया ना जी उससे वो आईज और बन गई और ओरिजिनल नहीं था ना जी अगर जेन्युइन होता तो डेफिनेटली पूरी दुनिया में इस्तेमाल इसीलिए नहीं किया जाता हम खुद इस्तेमाल करें बहुत अच्छे करते हैं जी सिर्फ अब आपको इस स्थिति में क्या करना है जो ये आप पाल रहे हैं ना जी इनको रिन्यूअल पे आपने कोई नहीं डाला ठीक है आप देखेंगे कोई भी फैदर रिन्यूअल पे नहीं डाला आपको रिन्यूअल पे डालना और आपको जितना आप वीक उगाएंगे ना ये वाला चाहिए उतना बढ़िया उतना बढ़िया जितना वीक फ्लेक्सिबल अब आप मुझे एक बात बताएं फॉर एग्जांपल मैं इसको पिंचिंग कर देता हूँ ठीक है हो गया पिंचिंग अब मुझे बताएं मुझे नेक्स्ट ईयर इसको आपको काटना हो तो आप कहाँ से काटेंगे काटना तो बड़ा कम है इसको काटना ही नहीं ठीक है काटना तब है अगर यहाँ फ्रूट के बाद पिंस भागेगी ना ठीक सिर्फ उसको क्लिक करेगा बस बस ठीक है बाकी नहीं काटेंगे आप यहाँ कहाँ क्लिक करेंगे देखो ना अब देखो यहाँ ये ऑटोमेटिकली टूटा एक यहाँ निकला एक ये अगले साल बढ़ में जाएगा फ्रूटिंग आएगी जब फ्रूट के बाद गाला में क्या होता है देखो एक गांठ पड़ती है गांठ के बाद एक भागता है ये गांठ पड़ी इसके बाद ये भागा अब आपको ये क्लिक करना पड़ेगा ठीक है तब जाके ऐसी स्प्राउटिंग आएगी ठीक है बिल्कुल गाला की प्रैक्टिस रेड लीसेस से बड़ा लगे क्योंकि टिप बैरर गोल्डन हो गया गाला हो गया ग्रेनी हो गया और जो ये रेड डिलीशियस है ये नेचुरली अपना बर्ड छोड़ देगा इसमें और उसमें बहुत फर्क आएगा जी उसमें रनिंग मगर ये रिन्यूअल पे डालना है और एक हाँ जो भी आपको ऐसा लग रहा है ना कि ओवर हो गया है अभी आप इस पे ना देखो अगले साल भी आप फ्रूट ले सकते हैं जब तक आपका इधर देखो आप खाली जो खाली आपको ये लेट है और भाई मेन मसला ये है कि जो भी हम बैम्बो बांध रहे हैं ना या तो पेड़ को एग्जैक्टली बैम्बो से थोड़ा दूर रहे आप देखिए अदरवाइज कहाँ हो रहा है जहाँ बैम्बो आ रहा है ना वहाँ पे स्लिपिंग आई निकल रही है आपने ना जी जो ये बैम्बो लगाया है ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है जी। आप एक हुक आता है जी जो यहाँ से इधर होते हैं तो आपको जो पौधा की स्ट्रेंथ देते हैं वो यहाँ देनी है और मेरे को ये भी लग रहा है कि आपका पौधा ना मूव भी कर रहा है हल्का फुल्का तो ये इसके वायर में वहाँ जी जी इस बार ना काफी ज्यादा ब्रांचेस निकल रही थी तो उसलिए क्योंकि मैंने लास्ट ईयर की प्रूनिंग में क्या हो गया एग्जैक्टली कुछ समझ उसको करने में पूरा हमारी भी स्टार्टिंग की प्रॉब्लम यही है जी जी जो आप आज कर रहे हैं ना हमने भी ऐसे बिगाड़े हमने क्या किया जी एक्चुअली ब्रांचेस बहुत बाहर ले तो मैं अभी आपको लास्ट ईयर के फोटोग्राफ दिखाऊंगे ये यहाँ पे ठीक है तो इस साल शॉर्ट करके हमने वापस किया तो हमने सोचा कि कभी हो सकता है ज्यादा कर लें तो पेड़ स्ट्रेस में ना आ जाए इसलिए जैसे ये वाला जो है ये जाना गोल्ड है जी ये एम नाइन नहीं है जी 106 है 106 लग रहा है मेरे को लग रहा है एम नाइन पे मेरे को नहीं लगा जी सच बोल रहा हूँ हाँ नहीं क्योंकि जो ये बॉटल नेक बना है ना आपकी ये एम नाइन का बॉटल नेक नहीं है जी ये एम नाइन का बॉटल नेक नहीं है ये 106 का अच्छा जो एग्जैक्टली एम नाइन लग नहीं रहा फिर तो मुझे पूरा ऑर्चर्ड घुमाना पड़ेगा क्योंकि 7000 पेड़ है मेरे पास भाई कम हाँ 7000 कम से कम कोई एक मत एम नाइन निकला है ऐसा नहीं हो सकता ना अब क्यों फर्क लग रहा है मेरे को ना जी मेरे को अभी भी डाउट है आपने बताया सॉइल का टेस्ट है आपको बहुत बढ़िया है ये क्या डाला
ये हमने डाला हुआ जी 11। अब आप देखो ना बहुत अभी नहीं बोला तो ये क्यों है इसके थ्रू हम ड्रिप के थ्रू नहीं डाल रहे जी ये चीज़ें है अब आप मुझे बताएं नहीं अकाउंट आप जी आप मुझे बताएं जी एग्जैक्टली इसमें आप तौलिया करते देखो जी पहले मैं एक एक चीज आपको एग्जैक्टली जब हम तौलिया करते हैं ठीक है हमारा हाँ ठीक है आपकी शीट पड़ी है मेरा कम से कम 4 या 5 बार साल में तौलिया होता है क्योंकि घास रिमूव करना है तो डिस्टर्ब तो करते हैं हम सारे मल्चिंग मैट इस साल हमने मंगवाए हैं इस साल मैं मल्चिंग का ये डाल रहा हूँ कि क्या रहेगा क्योंकि शीट मैंने डाली थी शीट में मुझे वही चीज़ थोड़ी सी लगी मिट्टी की फर्टिलिटी का ना आप ऐसे पता लगाते हैं लड्डू बन गया ना जी जी तो बहुत स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है जी 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 तो बहुत अच्छा अगर ये बिखर जाती है ना जी जी तो फिर ये बहुत ही सब कुछ है आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है डिबल भाई ग्रोथ से क्या ग्रोथ कुछ नहीं बतेरी होगी जी जी पहुंच गया आपका जी जी और थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता रहेगा लास्ट वायर टच कर जाएगी जी जी हुक सिस्टम इसमें लगा लो जी जी हुक चल रहा जी जी बात है आपका कोई ज्यादा फिर बाद में जो रिन्यूअल नहीं डाला है ना एक प्रॉब्लम ये वाले जो लग रहे हैं ना ये वाले ये जाना गोल्ड है नीदरलैंड का प्लांट फ्रूट अच्छा आ रहा है जो फ्रूट अच्छा आ रहा है लेकिन मुझे थोड़ा सा ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम आ रही है प्रॉब्लम नहीं हो रहा जो फ्रूट गिरेगा ना जी जी उसको काट के देखना सीड बन रही सीड फॉर्मेशन नहीं सीड फॉर्मेशन हो रही है हो रही हाँ तो सीड फॉर्मेशन लेकिन फिर भी जाना गोल्ड में मुझे ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम बहुत हो रही है हालांकि मैं अभी लास्ट ईयर से पिंक बर्ड पे बोरॉन भी दे रहा हूँ जी ये मेरा रेड लंबा ये गाला मीमा है ये वो वाला ऑर्चर्ड है जो सामने ये देखेंगे आप ये गाला मीमा का रिजल्ट है और आप लगाओ ये गाला जी जी और लाल से भगाना है मैं ये शनिको का रिजल्ट है जिसमें मैं अभी आपको लेकर 13 अगस्त 2020 का फोटो जो मैं अभी